हेलो माय डियर फ्रेंड, और आपकी छोटी सी फ्रेंड असम। अभी आज मैं आपके लिए नई कहानी लाई हूँ। वो है अपने सिंह की कहानी, मतलब मेरी कहानी, पर मैं उसे सुनाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मा, मैंने रखा था कि आप पार्क में खेलने जाऊं। बेटा, पहले कुछ खा लो, फिर जाना। प्लीज मम्मा, मैं आकर खा लूंगी, मुझे जाने दीजिए ना। ओके, जाओ, पर अनुराधा के साथ ही रहना, इधर उधर मत जाना और जल्दी आ जाना। ओके ओके मम्मा, बाय बाय। बेटा अनुराधा, कहाँ हो, जल्दी आओ। हाँ अम्मी, बोलो क्या हुआ। चलो अनुराधा, हम लोग पार्क चलते हैं। मैं अपनी मम्मा से पूछ के आई हूँ, हम लोग उधर बहुत मस्ती करेंगे। चलो अनुराधा, हम लोग स्लाइड करते हैं। हाँ चलो स्लाइड करते हैं, बहुत मजा आएगा। पहले मेरा टर्न। ओके अम्मी, पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊंगी। मजा आया ना अनुराधा। बहुत मजा आया। अब मैं बहुत थक गई हूँ, चलो कहीं बैठते हैं। हाँ अम्मी, चलो कहीं बैठते हैं हम लोग। अम्मी, तुम अपना मैथ्स होमवर्क कर रही हो क्या? नहीं यार, अभी मैं घर जाके करूंगी मम्मा का हेल्प लेकर। ओके चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो चलते हैं, मम्मा वेट कर रही होंगी हम लोगों का। अनुराधा देखो, वहाँ क्या गिरा हुआ है। अरे ये तो किसी का पर्स है। हाँ लगता है किसी का पर्स गिर गया है, इसमें तो बहुत सारे पैसे भी हैं। चलो घर चलते हैं, फिर प्लान करेंगे इससे कल क्या खरीदना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं मम्मा को बताऊं या नहीं बताऊं, उस पैसे को मैं खर्च करूं। नहीं, मैं मम्मा से कुछ नहीं छुपाती, मैं मम्मा को बता दूंगी कि ये मुझे पर्स मिला है। मम्मा जैसा बोलेगी मैं वैसे ही करूंगी इस पर्स के साथ। चलो घर आ गया, अब मम्मा को मैं सब कुछ बता देती हूँ। कितना लेट हो गया, अवनी अभी तक नहीं आई, कहाँ चली गई वो? लगता है आ गई अवनी, अभी जाकर दरवाजा खोलती हूँ। बेटा तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मम्मा, मैं अनुराधा के साथ पार्क में खेलने लगी थी इसलिए लेट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम्हारे लिए खाना रेडी है, खा लो। मम्मा। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ दिखाओ, क्या दिखाना है? मम्मा मुझे पार्क में ये पर्स मिला। अच्छा किसका पर्स है ये? पता नहीं मम्मा, हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में मुझे ये पड़ा मिला तो मैंने उठा लिया। अच्छा दिखाओ मुझे किसका पर्स है ये, मैं देखती हूँ।
अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं और आई कार्ड भी है। इसमें जरूर उस इंसान का नाम होगा जिसका यह पर्स है। ये तो किसी सुनील कुमार का पर्स है, उसके आई कार्ड में उसका नाम लिखा है। इसमें एक फ़ोन नंबर भी है। चलो मैं इस पर फ़ोन करके पता करती हूँ ये उनका पर्स है कि नहीं। ओके मामा। हेलो, आप सुनील जी बोल रहे हैं क्या? जी मेरे पास आपकी एक चीज़ है, क्या आपकी कोई चीज़ खो गई थी? हाँ तो वो मेरी बेटी को रास्ते पे पड़ी मिली है, उसने लाकर मुझे दिया है। अगर आपको अपनी पर्स वापस चाहिए तो मेरे घर के पास एक बिग बाज़ार है, आप वहाँ आ जाइए, मैं आपको आपका पर्स दे दूँगी। हाँ जी ओके ओके इट्स ओके। ओके बेटा, तो मैंने सुनील अंकल को कॉल कर दिया है, वो आएंगे तो मैं उन्हें पर्स दे दूँगी। चलो तब तुम कुछ खा लो। ओके मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, तो क्या बना है आज? आज मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाई हूँ, गेस करो। छोले भटूरे। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। चलो हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। हाजी, आप नेहा जी है क्या? हाँ मैं ही नेहा हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था, आप सुनील जी हैं? हाँ मैं ही सुनील हूँ, मेरा पर्स खो गया था 2 दिन पहले। ये लीजिए आपका पर्स, अच्छे से चेक कर लीजिए, इसमें सारे पैसे और आपके कार्ड्स तो है ना? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें मेरे सारे कार्ड सारे इन्फॉर्मेशन थे, मैं 2 दिन से बहुत परेशान था, आपने मुझ पर बहुत कृपा किया इस पर्स को मुझे लौटा कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, यह तो हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे की मदद करें। फिर भी अगर आपको शुक्रिया बोलना है तो मेरी बेटी को बोलिए, इसे ही यह पर्स मिला था और इसने मुझे ला कर दिया। थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत समझदार हो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वेलकम अंकल। बेटा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारी ईमानदारी के लिए। अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बहन जी आप नहीं जानती इस पर्स में मेरे कितने इम्पोर्टेंट कार्ड्स थे, अगर यह नहीं मिलता तो मेरा बहुत सारा काम बिगड़ जाता। इस बच्ची ने इतना अच्छा काम किया है, इसके लिए इसे एक तोहफा तो मिलना ही चाहिए। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा, ऐसे ही अच्छे अच्छे काम अपने जीवन में करते रहो और सबकी मदद करते रहो, तुम बड़ी होकर एक बहुत ही कामयाब लड़की बनोगी। अच्छा तो बहन जी अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। बाय बेटा। बाय अंकल। ये अंकल कितने अच्छे थे ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। बेटा अंकल आंटी सभी अच्छे होते हैं, पर गिफ्ट उन्हें ही मिलता है जो अच्छे काम करते हैं, और तुमने उनका पर्स लौटाकर अच्छा काम किया इसलिए तुम्हें गिफ्ट मिला, ना ही कि वो अंकल अच्छे थे इसलिए, तुम्हें तुम्हारे ईमानदारी का फल मिला है। चलो अब घर चलते हैं। ओके मम्मा। तो देखा आप लोगों ने ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है।
रहा है, इसलिए हमें मम्मी पापा से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब उन्हें सब सब सच सच बताना चाहिए। तो आप प्रॉमिस कीजिए कि मम्मी पापा से आप लोग कुछ नहीं छुपाएंगे, सब सब सच सच बताएंगे। ओके, तो इस गाने में इतना ही, तो मैं अगले गाने में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।